ये लीजिए अम्मी, लीमू पानी। जीती रहो जीती रहो। चेक करें, ठंडा तो नहीं है ज्यादा? सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए जनाब, आ गई आपकी चहेती। कहाँ रह गई थी तुम? क्या हुआ, उबे 12 क्यों बजे में? अरसलान से लड़ाई हुई है क्या? क्या हाल है तुम्हारा सामिया, कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? वो भी बहुत बेताबी से। इतनी बेताबी क्यों? जनाब खुशखबरी है, सुनोगी ना तुम भी पागल हो जाओगी। हाँ जानती हूँ कि लुबना का निकाह हो रहा है। देखा अम्मी आपने, कितना मना किया था मैंने लुबना को कि ना बताए, सामिया को मैं खुद बताऊंगी ये खुशखबरी। सारा मजा खराब कर दिया मेरा। मुझे लुबना ने नहीं बताया। लुबना ने नहीं बताया, फिर किसने बताया? फुरकान ने। फुरकान ने? जी। लेकिन फुरकान को किसने बताया? लुबना ने। पर क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। लुबना, तुम्हें अंदाजा भी है कि जब से तुम्हारी निकाह का पता चला है मुझे, इसमें क्या गुजर रही है? मैं सोच भी नहीं सकता कि अपने जीते जी तुम्हें किसी और का होता हुआ देख लूं। मेरा भी यही हाल है। सोचा था आमिर से मिलूंगी और उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन वहां शादी तो शादी, हनीमून तक की प्लानिंग हो चुकी है। तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में इस रिश्ते को लेकर सब बहुत खुश है। मम्मी पापा भाई भाभी, यहाँ तक कि दादी भी। भाभी आज यहाँ आई इसी वजह से। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक होगा? कोई भी दो बहनों को एक घर में बिहाने के लिए तैयार नहीं है, और अब भी वो अपनी जमान से कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर तो भाभी ही कायल कर सकती है हमारी फैमिली को। वो तो लगता है इस रिश्ते से खुशी नहीं है। लुबना फिर एक ही हाल है। वो क्या? गुड मैरिज। देखो लुबना, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल फैसला है और हो सकता है कि काफी लोग हमसे नाराज भी हो जाएं, लेकिन मेरा यकीन मानो बातें सब मान जाएंगे। बताओ दोगी मेरा साथ?